जो प्रबुद्ध जन है उन सबको मेरा नमस्कार है। और मुझे प्रसन्नता है कि बचपन से हम जिन साहित्यकारों को पढ़ते थे, विष्णु प्रभाकर जी को हमने पढ़ा है, उनके नाम से हमें सम्मान भी मिला और उनके परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ बैठने का ये अवसर आपने अतुल प्रभाकर जी ने दिया, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्र निर्माण तो सही में आप लोग कर रहे हैं, प्रभाकर जी ने किया है, साहित्यकारों ने किया है। राष्ट्र के का जो निर्माण है वो अगर हम देखें तो सतत प्रक्रिया है, कभी भी राष्ट्र ऊंचा नीचा होता रहता है पर वो सतत प्रक्रिया है। वेद के समय से अगर हम देखें तो राष्ट्र की अवधारणा वहां से जन्म लेती है। कई बार कई लोग कह देते हैं कि ब्रिटेन से आजादी मिली उसके बाद कुछ इंडिया जैसा बना, वो क्योंकि जब हम अपनी सतत प्रक्रिया से रूबरू नहीं होते, साक्षात्कार हमारा नहीं होता तो हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं। और इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो निर्माता हैं अलग अलग काल में अलग अलग चलते चले जाते हैं। आप ये समझिए कि गंगोत्री से कोई गंगा सागर की जो यात्रा कर रही है, उस गंगा सागर की यात्रा में ऋषिकेश भी पड़ता है, हरिद्वार भी पड़ता है, बनारस भी पड़ता है, पर वहां से न निकलती है न वहां वो समाहित होती है, वो सिर्फ एक प्रक्रिया है, वो ठहराव है। जितने भी महापुरुषों के हम नाम ले रहे हैं वो ठहराव है, उन्होंने आगे आगे बढ़ाया, फिर अगली पीढ़ी को सौंपा, पर ऐसे ही राष्ट्र हमारा निर्मित होता चला गया है। हर काल में देखा जाए तो हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है और राष्ट्र का चरित्र वहां के व्यक्तियों से बनता है। अलबरूनी जब भारत आया था और 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ गौरी के साथ, जब आता है तो अपनी पुस्तक में लिखता है, और ये सिर्फ 1100 ईस्वी की बात है, हमें सोचना चाहिए उसके बाद हमारे साथ हमने क्या खोया। वो कह रहा है कि भारत में एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जो झूठ बोलता। 1191-92 की बात है। वो कहता है कि जब यहाँ किसी आपस में समझौते होते हैं, कोई किसी से पैसा लेता है तो उसको लौटाना है, वो कभी कागज पर नहीं होता। जिसने कहा, जिसने दिया उसे भी भरोसा है और जो ले रहा है वो भी उसे लौटाए, वो कभी नहीं। अगर वो गुजर जाता है उसकी अगली पीढ़ी उसे लौटाती है। फिर अलबरूनी कहता है कि वो पानी हाथ में लेते, गंगा जल के बारे में कहता है, और फिर वो कभी झूठ नहीं बोलते। क्या कारण है? 1191-92 में ये जो हमारा हिंदू समाज था, सनातन समाज था, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद, वो आज हर कोई झूठ बोल रहा है, हर किसी का चरित्र जो है कहीं ना कहीं पतन का शिकार है। एक साधारण सा आदमी को अलबरूनी देख के कहता है कि इसका चरित्र इतना उज्जवल है कि झूठ नहीं बोलता। आज हमारे सत्ता प्रतिष्ठान तक खुलेआम झूठ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में ये दोष है। और व्यक्ति के चरित्र से राष्ट्र का चरित्र बनता है। माफ कीजिए, कई लोग राष्ट्र को अलग अवधारणा लेके चलते हैं। हमारे ऋग्वेद को पढ़े आप, अथर्ववेद पढ़े आप, ये हमसे बनता है, हमारे ऋषियों से बना है राष्ट्र। और जब हम देखते हैं कि हमने क्या खोया है तो हमें लगता है कि हमने अपना चरित्र खोया है। अभी हमारे कारण है सर कि हमारे साथ बहुत से राष्ट्र जो है ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाया, पाकिस्तान पाया, बांग्लादेश पाया, अलग अलग देशों ने पाया। और ये भी बात है कि जिस जिन लोगों ने स्वतंत्रता जिन देशों को मिला उस समय, उन सबको आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों में लोकतंत्र अब नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारे महापुरुषों के कारण हमें लोकतंत्र मिला, पर हम भूल जाते हैं कि दुनिया का जो प्रथम लोकतंत्र है वो भारत देता है। उन महापुरुषों से कई सदियों पहले वैशाली गणराज्य जहां राष्ट्र प्रधान बैठते हैं, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। तब न गांधी थे, न विनोबा थे, न सुभाष थे, न जवाहरलाल नेहरू थे। जब हम कृष्ण का राज देखते हैं, वासुदेव शासन कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम उनके साथ हैं, तो पूरा जब उस ढांचा को हम देखते हैं, शासन व्यवस्था को जब हम देखते हैं, तो उस व्यवस्था में हमें जनता निर्णय ले रही होती है, वो उनको फैसले सुना रही होती है, वो उनसे आग्रह कर रही होती है। तो लोकतंत्र हमारे DNA में, हमारे रक्त में है,
लोकतंत्र हमें इनके कारण मिला, ना हमें अंग्रेजों ने दिया। लोकतंत्र हमारे स्वरूप में, हमारे चरित्र में शुरू से रहा है। राम की कथा आती है, राम एक आम लोगों को सुन रहे हैं, ये लोकतंत्र उनके चरित्र में है। तो महापुरुषों के कारण हम कहते ये सिर्फ एक प्रवाह है, जो कानपुर है, बनारस है, पटना है, ये निकलता चला गया है। मुझे राम मनोहर लोहिया याद आते हैं। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, मैं कहूंगा सबको पढ़ना चाहिए, धरती माता भारत माता करके पुस्तक है, लोक भारती से, राजकुमार प्रकाशन से। उसमें एक लेख है कि भारत का मानस बना कैसे, क्योंकि भारत के मानस से ही भारत का चरित्र, लोगों का चरित्र और भारत का चरित्र बनता है। ये वो देश है जहां राजा भरत देखते हैं कि हमारे बच्चे 8-9 बच्चे हैं पर वो शासन करने लायक नहीं, उनको जब लगता है तो जनता के बीच से शासक बनते हैं। ये लोकतंत्र हमारे डीएनए में बहुत आरंभ दे रहा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि कुनबों की लड़ाई है, जातियों की लड़ाई है, मजहबों की लड़ाई है, अपने अपने व्यक्तित्व की लड़ाई है कि मेरा व्यक्तित्व सबसे बड़ा है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा भारत ने कि इस देश में आदमी पर्सनालिटी कल्ट बनेगा, जहां वो अपने आप को छोड़कर निकल जाते हैं। आप पर्सनालिटी कल्ट जैसा हमारे हर नेता, गांधी से लेकर वर्तमान मोदी या केजरीवाल, हर नेता ने अपना एक कल्ट रखा है और हम सब उस कल्ट के वशीभूत हैं। हम लोग उस कल्ट के चकाचौंध में हैं। कभी कोई रामवाद नहीं हुआ इस देश में, कभी कोई कृष्णवाद नहीं हुआ इस देश में, कभी कोई शिववाद नहीं हुआ इस देश में, पर वर्तमान नेताओं के अगर आप स्वरूप को देखेंगे तो हमारे से उपजे हैं। हमने ही उनको चुना है क्योंकि हमारे चरित्र में ही कहीं ना कहीं बहुत विघटन है जिसके कारण हमने ऐसे शासन तंत्र को चुना। तो रामन मोहन जब कहते हैं कि इस देश का मानस कैसे बना, तो वो तीन का नाम लेते हैं। आप घोर विमर्श करें कि राम हुए नहीं हुए, कृष्ण हुए नहीं हुए, शिव हुए नहीं हुए, वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हुए नहीं हुए। कोई उनको भगवान मानता है, कोई उनको महापुरुष मानता है, कोई उसको नहीं मानता है। ये इतिहास की उनसे ज्यादा मानस की बात है। और ये जो तीन हमारे स्वरूप हैं, आप इनको भगवान कहिए, महापुरुष कहिए, भारत का पूरा मानस उनसे निर्मित हुआ है। हम आप देखिए कि ब्रिटिशर्स को सोचिए कि राम की उस अवधारणा को काटने के लिए कि उत्तर और दक्षिण एक, ये हमारे लिए उन्होंने आर्य इन्विजन थ्योरी का गठन किया। पूरा उत्तर से दक्षिण को वो जोड़ते हैं। आप देखिए कि दक्षिण में वो जाते हैं, रावण को जीतते भी हैं, तब फिर वो शासन नहीं करते, विभीषण को उसका हिस्सा बनाते हैं। किष्किंधा वो जाते हैं, दक्षिण कर्नाटक के आसपास का भी का प्रदेश है, वो कभी उसको जीतते नहीं है, सुग्रीव को बैठाते हैं। फिर दक्षिण और उत्तर में लड़ाई कब से पैदा हो गई ये हमें नहीं समझ में आया। ये ब्रिटेन को समझ में आया, अंग्रेजों को समझ में आया कि जब तक ये भारत का स्वरूप होगा तब तक विखंडन के बीज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यूरोप बिखरा हुआ है, वो उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है कि ये जो भारत है उसकी चौहत्ती कितनी बड़ी है। और अगर आप भारत की चौहत्ती, आज का जो भारत है वो आप मकसूदा नजा 1930 में लिखते गए कि ये हिंदुस्तान का एक स्वरूप है, हिंदुस्तान जो है उसका विस्तार कहीं बाहर तक। आपके जो 12 देवासुर संग्राम लड़े गए हैं, अगर उसकी भौगोलिक भूमि आप देखेंगे तो वो आपको सीरिया, इराक, ईरान, वहां पे आपको दिखेंगे वो सारा। वो जो कैस्पियन सागर, कश्यप सागर जो है हमारा, वहां से पूरा, और जो आप फार्मोसा जो है जिसको ताइवान कहते हैं, वो तक पूरा क्षेत्र भारत का है, जो आप वैदिक भारत को अगर आप देखेंगे। और आज जो सीरिया है, जहां पर हम कहिए कि इस्लामिक राज्य है, वहां का असुर राजा वृषपर्वा प्रथम राजा था, असुर से वो सीरिया, सूरिया से सीरिया बना। तो हमारी चौहत्ती वहां तक आप सोच सकते हैं, हम सिकुड़ते गए। आप सोच कर देखिए, क्योंकि मैं आज जो इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र तो हम सीरिया तक थे, और वर्तमान राष्ट्र तो आप लोगों ने देखा है, पाकिस्तान भी था हमारा, वर्तमान तो बांग्लादेश भी था, तो राष्ट्र टूटा क्यों, वो भी तो राष्ट्र था हमारा। असल में राष्ट्र को जब हम प्रथम रखते हैं, हमारे टूटन की शुरुआत वहां हो जाती है। ये बात मेरी आपको उल्टी लगेगी, हम देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन राष्ट्र हमारा टूटता गया है, राष्ट्र जुड़ता है। इसको आदिशंकर ने बहुत अच्छे से देखा कि राष्ट्र को जोड़ता क्या है, उसको संस्कृति जोड़ती है राष्ट्र का जो है। और उन्होंने चार मठ, जो चार जो आप देखेंगे चौहत्ती, उन्होंने स्थापित किया। ये अब तो बहुत सिकुड़ चुके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार मठ को बनाते हैं।
उसके बाद वो देखते हैं कि देश में बहुत तरह के विचार आ रहे हैं और अलग अलग पंथ लोगों ने चला दिया है, अलग अलग पंथ। आदि शंकर साहब को भी हराते हैं, आदि शंकर मीमांसा को भी हराते हैं, आदि शंकर वैष्णव पंचरात्रों को भी हराते हैं। पूरे को समाहित करके उसका जो सूत्र उन्होंने पिरोया कि भारत का स्वरूप, क्योंकि भारत को संस्कृति ही बचा सकती है। और आप अभी जो कह रहे थे, अगर आप देखें मॉडर्न काल में, अगर हम देखते हैं कि उस संस्कृति के रक्षण के लिए और हमारे सभ्यता समाज ने राजदंड पे ब्रह्मदंड की अवधारणा दी। चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त क्या है आप बताइए? कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि जिस समय राज सुधर्मा है, राजा सुधर्मा में साथ कुमार भट्ट और शंकर का दिग्विजय अभियान चलता है। जब माधवाचार्य आते हैं और ये खिलजी के आसपास का शासन है, 1300 के आसपास का शासन है, उनको लगता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, तो हरिहर और बुक्का दो भाई होते हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, उनको पुनः सनातन बनाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाते हैं कि उत्तर में तो ये आ चुके, दक्षिण को तो बचा, और 300-350 साल तक विजयनगर साम्राज्य बचा रहता है। फिर शिवाजी आते हैं और शिवाजी के साथ कोई समर गुरु रामदास आता है, वो आते हैं। उसके बाद जब हम आधुनिक लड़ाई देखते हैं, आधुनिक ब्रिटेन के खिलाफ जो हम लड़े हैं, तो उसमें महर्षि दयानंद है, उसमें विवेकानंद है, उसमें रामकृष्ण परमहंस है, उसमें महर्षि अरविंद है। और फिर मिडिल काल में मैं भूल गया कि जब ये पूरा मुगल आक्रमण था, लोग त्रस्त थे, लोगों को लगा कि अब हम हमारे सामने वो खत्म हो रहा है, तो तुलसी आते हैं, कबीर आते हैं, नानक आते हैं। ये कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को बचाने के लिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ साथ चला है और उसने भारत को बचाया है, किसी नेता ने नहीं बचाया। बुरा लगेगा आपको, महात्मा गांधी को भी अंत में राम को पकड़ना ही पड़ा था भारत को बचाने के लिए, और तिलक को भी गरीब उत्सव पकड़ना ही पड़ा था भारत को बचाने के लिए, और बीपी चंद्र पाल को दुर्गा पकड़ना ही पड़ा था भारत बचाने के लिए। बिना सांस्कृतिक एकता के कोई देश नहीं होता, वरना राष्ट्र तो हमारा पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सारा हमारा ही राष्ट्र था, लेकिन वहां जहां जहां से सनातन धर्म का विरोध हुआ, राष्ट्र मिटता चला गया, उसकी चौहद्दी सिकुड़ती चली गई और आज वो खतरे फिर दिख रहे हैं। इसलिए सनातन संस्कृति जो आज भी जो बराक ओबामा आते हैं, उन कहते हैं कि भारत का जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो कितना बेहतर है। जब वो आते हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार में हम एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, फिर क्या राष्ट्र बना लेंगे, कौन सा राष्ट्र बना लेंगे, आपस में भाई भाई का नहीं बन रहा, और वो देश बनाने की बात करते हैं, हम देश पे मन मिटेंगे, आप घर तो बना लो, घर से समाज, सनातन की प्रथम इकाई कहा गया परिवार, परिवार तो बना लो, परिवार बनाओगे तो समाज बनेगा, समाज बनाओगे तो राष्ट्र बनेगा, टूटे हुए परिवार नेता चुनेंगे वो देश तोड़ेंगे, यही सच है। अब इसके साथ ही मैं आप सबसे कहूंगा कि लोहिया जी के उस विचार को जरूर समझिए कि राम कृष्ण और शिव, राम और कृष्ण उत्तर और दक्षिण को जोड़ते हैं, तो कृष्ण राम उत्तर और दक्षिण को जोड़ते हैं, तो कृष्ण का पूरा अभियान देखिए द्वारका पश्चिम और पूरा को जोड़ रहे हैं, नरकासुर का वध आसाम प्रयाग जगदीशपुर में कर रहे हैं, मणिपुर में वो अर्जुन की का विवाह करा रहे हैं, वो महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, ईश्वर थे, उनको मालूम था कि आगे का जो हमारा आक्रमण होने जा रहा है वो पश्चिम से होने जा रहा है, कलयुग जब आएगा पश्चिम से ही सारे आक्रमण आए, पश्चिम को बना रहे हैं और लोग पश्चिम को मिटाने पे पूरा जो लगे हैं। शिव को देखिए, उनसे बड़ा समझता आपको कार्ल मार्क्स आया, एंजल आया, लेनिन आया, हर लोगों ने समाजवाद के नाम पे क्या किया, अपने अपने अधिनायकवाद को स्थापित किया। शिव को देखिए, उनके दरबार में वो मोर भी बैठा है कार्तिक का, वो गणेश का चूहा भी बैठा है, वो शिव का सांप भी बैठा है, इससे बड़ा आपको समतावादी दर्शन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम कार्ल मार्क्स के पीछे भागते हैं। अब देखिए कि जिस दिन देश में मार्क्सवाद आया क्या हो गया होगा। तो पश्चिम की जो विचारधारा है, आप लोगों को कई बार लगेगा सर्व धर्म संभव, धर्म एक ही है, बाकी मजहब और रिलीजन है, इन सबसे बाहर निकलिए, सर्व धर्म लाते हुए, क्योंकि वो पंथ है सब, वो सब नदियां हैं, आप समुद्र हैं, और जहां समुद्र नदी होने जाती है वो नाला बन जाती है, और इसीलिए हमारे देश की ये दुर्दशा हुई है। ये जो हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की आप बीमारी लगी हुई है, हमें हर तरह से सर्वधर्म संघर्ष, अलग अलग पंथ है, शंकर ने इनको सैव खुद शंकर शिव के अवतार थे, क्या जरूरत थी उनको सैव पंथ को हराने की, शास्त्रार्थ में खुद विष्णु जो है शिव को पूजते हैं, क्या जरूरत थी पूरे द्वारका में जो 100 से 1000 लोगों के साथ शंकर का शास्त्रार्थ चल रहा है वैष्णव के साथ, क्या जरूरत थी हराने की। ये छोटे छोटे पंथ को आप धर्म का अगर नाम दे देंगे तो
तो निश्चित तौर पर विखंडन के बीच हम ही आप बोल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र का मैंने कहा शुरू में चरित्र होता है। पाकिस्तान ने अपने चरित्र दिखाए हैं, कितना उनको बनाकर दिया गया। राम मनोहर लोहिया विभाजन के टेबल पर बैठे हैं, जहां गांधी है, जहां नेहरू है, जहां सरदार है, जहां माउंटबेटन है, उस टेबल पर राम मनोहर लोहिया भी बैठे हैं। और लाल राम मनोहर लोहिया कहते हैं इस महात्मा ने एक बार विरोध करने के, गांधी विभाजन के बाद जो अनशन पर हमेशा बैठते हैं, गांधी विभाजन के बाद अनशन पर नहीं बैठते। जब कांग्रेस पूरे विरोध कर रहा है, कांग्रेस पूरा विरोध कर रहा है हर चीज का उस समय, पर कांग्रेस का एक व्यक्ति भी विभाजन के विरोध में जेल गया हो मुझे नाम बता दीजिए। विभाजन के विरोध में वो नहीं जाते हैं, एक भी प्रदर्शन विभाजन के विरोध में उस समय के नेताओं ने गांधी ने किया हो नहीं। और जब पाकिस्तान उस हिस्से में हिंदू मर रहा था तब भी गांधी नहीं गए। किसको भेजा? उन्होंने कृपलानी को भेज दिया, न जवाहर को भेजा न सरदार को भेजा, कृपलानी को भेज दिया कि वहां हिंदू हाहाकार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गांधी मुझे बचा लेंगे, पर गांधी ने उनको कैसे छोड़ दिया। आधुनिक भारत में मैं गांधी के संस्थान में खड़े होकर कह रहा हूँ, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने गांधी के कुछ चीजों को कहानी कम्युनिस्टों की, मैंने गांधी जो कम्युनिस्टों के साथ उनका विरोध है मैंने उसको स्थापित किया कि एकमात्र कम्युनिस्ट है जिसके साथ गांधी संवाद करने को तैयार नहीं है। सीपी जोशी के साथ गांधी के पत्राचार को आप देखिए किस स्तर का पत्राचार है। गांधी पुनः पैक्ट आप देखिए, आज अगर फिर यहाँ पर मुझे बुरा न लग जाए किसी को, पर अगर गांधी की तरफ नहीं चलती तो अम्बेडकर भी एक चिन्ह की तरह देश ले चुके होते, लेकिन गांधी की चली और गांधी ने रोका उनको, पुनः पैक्ट इसका उदाहरण है। तो गांधी के समाज निर्माण में बहुत सारे उदाहरण भी होंगे, लेकिन आप देखिए कि आधुनिक समय में आज जो आप सांप्रदायिक का बीज है और हम सब कहते हैं मिल के रहे हैं ये बढ़ रहा है, इसकी शुरुआत किसने की थी? 1921 में इसकी शुरुआत किसने की थी? गांधी ने किया था मुकरा, जो आपने तुर्की की लड़ाई को अपने यहाँ खींच कर ले आते हो, उसके बाद जब उनको आप जानते हो कि उस विचारधारा को जब कुछ नहीं मिलता वो टूट पड़े मालाबार में पूरे हिंदुओं में, वो वहां से विभाजन, उसके बाद अली बंधुओं का बयान पढ़िए कि वो गांधी को क्या कह रहे हैं। तो बड़ी समग्रता के साथ, क्योंकि सबने क्या किया, सर्वधर्म संभाव, आप अपने सनातन अपने रूप को छोड़ के चले गए, जिसके कारण ये देश विखंडित हुआ। सीधा सा बात कहूंगा कि यदि आप अपने आज विष्णु प्रभाकर जी के नाम के कारण हम लोग हैं, सच मानिए अगर हमारे पीछे हमारे पिता का नाम ना हो तो समाज हमें क्या कहेगा। वही स्थिति इस भारत की बना दी गई है, आपके साथ आपके धर्म का नाम नहीं होना चाहिए, होगा तो आप कम्युनल कहे जाएंगे, लेकिन इसीलिए आप पॉलिटिकली सब करेक्ट होते हैं। सोच कर देखिए, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था कि आपका इतिहास नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है, आपके धर्म का नाम नहीं है, ताकि वो आपको लावारिस साबित कर सके। इससे बाहर निकलिए, इस जो मानसिक ये जो बहुत जकड़न आ गई है इससे बाहर निकलिए। आप अपने घर में तो पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन आप सनातन धर्म में बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या डर है आपको, किस बात का डर है आप? सारा मानस तो उससे बना हुआ है। आप मुस्लिम समाज के अंदर भी देखिए, हमारे बिहार से आता हूँ, कई लोग छठ करते हैं, वो कल्चर है उनका, उसमें होता हो, लेकिन क्या वजह है? जो लोग आप जैसे आप बहाउद्दीन को देखिए, उन्होंने क्या किया? जिस मुस्लिम समाज में हिंदू के संस्कार थे उनको खुरच खुरच कर बाहर निकाला, और सरदार ने क्या किया? उसको पद्म श्री दिया, उसको पद्म विभूषण दिया। तो इस चीज को समझिए कि आपके कल्चर को जो खुरच के निकाल रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान के लिए हमेशा वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जितना बांटेगा उतना राज करेगा। सनातन जोड़ता है शिव के परिवार की तरह, सनातन जोड़ता है राम की तरह उत्तर दक्षिण को, सनातन जोड़ता है कृष्ण की तरह पूरा हुआ पश्चिम को। और सनातन कृष्ण को जब लगा कि इतने सारे शास्त्रों में लोग उलझ जाएगा, कलयुग आ रहा है, और कभी अगर हम काल के चक्र को देखे तो ये चारों बार बार आते हैं, उन्होंने पूरे आपके वेद से लेकर पुराण सब के नीचे गीता में दे दिया, पर हमारे घर में गीता कोई पढ़ना नहीं चाहता, रामायण लाल कपड़ों में बांध दिया है, महाभारत रखेंगे तो भाई भाई में लड़ाई होगा, ऐसे ही सारे भाई लोग लड़ने पर पड़े हुए हैं। तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आपको आपके शास्त्रों से दूर किया गया है, उसको पहचानिए, वहां से ही आपके राष्ट्र निर्माण की जो धारा है, जो यात्रा है शुरू होगी। जब तक आप इसको ठुकराते रहेंगे, अभी तो आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश देखे हैं, कल आपका केरल भी टूटेगा और पंजाब भी टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।